एसडीएम छतरपुर की कुर्सी को लेकर बीते 5 महीनों से विवाद चल रहा है। इस विवाद ने बीते शुक्रवार को फिर एक नया मोड़ लिया था, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अनिल सपकले ने एसडीएम का प्रभार लिया था, तो वही के पाठक का कहना है कि मैं ही एसडीएम हूं। क्या हुआ सर, पद तो आप ही ना? हाँ, बैठा तो हूँ तो उनका सर अब वो अपना अलग सोच है। अच्छा अच्छा। दरअसल छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर अनिल सपकले हाईकोर्ट का ताजा आदेश लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को एप्लीकेशन भेजते हुए एसडीएम का प्रभार ले लिया था। मौजूदा एसडीएम के पाठक के मुख्यालय से बाहर होने के चलते सपकले न केवल उनकी कुर्सी पर बैठे बल्कि तहसीलदारों को आदेश भी दिए और कहा कि अब वही एसडीएम है और उनकी ही आदेश को माना जाए। वही अनिल सपकले का कहना है कि कलेक्टर साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे पास हाईकोर्ट के आदेश है, बावजूद उसकी अवहेलना हो रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। वही जब हमने इस मामले में के पाठक से बात की तो उनका कहना है कि मैं ही असली एसडीएम हूं, ये आप कलेक्टर और एडीएम से पूछ सकते हैं। क्या हुआ सर, पक्का तो आप ही ना? हाँ, बैठा तो हूँ तो उनका सर अब वो अपना उनका अलग सोच है। अच्छा अच्छा। अब ऐसे में मैं क्या शपथ पत्र लेकर घूमूं कि मैं ही एसडीएम हूँ? अब अनिल सपकले और के पाठक के बीच चल रहे इस विवाद से लोग समझ ही नहीं पा रहे कि असली एसडीएम कौन है, जिसके चलते रोजाना और दिन भर एसडीएम और तहसील कार्यालय में असमंजस का माहौल बना रहता है। वह इस मामले में भाजपाई खुलेआम सरकार और प्रशासन को पंगु बता रहे हैं और सिरे से सरकार की खामियां गिनवा रहे हैं। छतरपुर तहसील में तो आज ये भी पता नहीं है कि एसडीएम कौन है। कलेक्टर किसी दूसरे एसडीएम का आर्डर करते हैं, फिर वो एसडीएम जाके कोर्ट से स्टे ले आते हैं। आज हकीकत ये है कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट होती है, कलेक्टर का खुद का अधिकार होता है, विवेक का अधिकार होता है, तो उसे अनुविभाग में किससे काम लेना है, तो कलेक्टर काम ले रहे हैं के पाठक से और वहाँ जबरदस्ती एसडीएम बने हैं एक सप्ताह ले। कैसे लेके आए हैं वो आर्डर? अब सुनने में तो आ रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर लिए हैं वो, लेकिन अब कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह है, लेकिन जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जनता को कोई अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है कि वास्तव में वो अपनी अनुविभाग की समस्या सुनाने किसके पास जाए। ये फेल्यूअर सरकार है, सरकार का जो कहना सामान्य प्रशासन विभाग है वो भी इस ओर बिल्कुल कहना करके मौन नए धारण किए हुए है। जनता बहुत परेशान है, इधर से उधर लोग घूम रहे हैं, लोगों की जो पेशियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जमीन के मामले पेंडिंग हैं और पूरे कर्म करके अनुविभाग में अराजकता का माहौल है। ये विवाद 25 जुलाई को समय उठा जब एसडीएम रहे अनिल सपकले का छतरपुर से सागर तबादला कर दिया गया, उन्हें कलेक्टर ने एक तरफा रिलीव कर दिया था। इस आदेश को सपकले ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से उन्हें कुछ समय की मोहलत मिल गई, जिसके कलेक्टर बोंदस ने उन्हें मुख्यालय में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ करने का आदेश जारी किया और पाठक को एसडीएम का प्रभार दे दिया। इस पर सपकले ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर अंतरिम आदेश देते हुए कोर्ट में समान पद पर कार्य करते रहने का आदेश दिया। मामला चाहे जो भी हो, इससे पता चलता है कि सरकार का सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया है। नेता और अधिकारी अपनी मनमानी करके कमाने में लगे हुए हैं, जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जन प्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और कथरी ओढ़कर घी पी रहे हैं। हमारे तहसील छतरपुर में विगत 2 माह से ना तो कोई तहसीलदार है, एक ना तहसीलदार प्रभारी सपना तिवारी है, जो जिनकी द्वारा ना तो न्यायालय में पेशी ली जा रही है और पक्षकार ग्रामीणों से अपना किराया लगा के आते हैं, पैसा खर्च होता है उनका, यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं शाम तक, ना तो किसी भी न्यायालय में कोई पेशी नहीं हो रही है और पक्षकारों को ना कोई काम हो रहा है, नामांतरण की, बंटवारा की, हजारों फाइलें विगत 6-7 महीने से पेंडिंग पड़ी हैं और हजारों फाइलें आदेश के लिए भी पेंडिंग पड़ी हैं, उसके पश्चात कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।